मध्य प्रदेश विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के साथ ही कांग्रेस ने अपना सियासी वनवास खत्म कर लिया है। राज्य में करीब 15 साल तक सत्ता से बाहर रही कांग्रेस के लिए यह जश्न का वक्त है, क्योंकि बसपा और सपा के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है कि आखिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर किसका राज तिलक करेगी, क्योंकि दो नाम है, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद ही यह निर्णय होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर कमलनाथ में से कौन सीएम बनेगा। सूत्रों की माने तो दोनों नामों में से एक नाम पर सहमति राहुल गांधी और कांग्रेस का आलाकमान ही तय कर पाएंगे। हालांकि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह चुके थे कि मुख्यमंत्री को लेकर फैसला हाईकमान ही लेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में अभी सबसे आगे कौन है और कौन पीछे है, इस सवाल पर भी संशय है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कमलनाथ का पलड़ा ज्यादा भारी लगता है। इसकी वजह है कि कमलनाथ न सिर्फ ज्यादा अनुभवी और मंझे हुए राजनेता हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक सोच और समझ भी ज्यादा परिपक्व नजर आती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखें तो युवाओं का आगामी चुनावों में लुभाने के लिए ज्योतिरादित्य का चेहरा भी काम आ सकता है। लेकिन अब यह तय हो गया है कि कमलनाथ या ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के पालनहार हैं।